एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा कुमार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो मीशो हॉल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको सबके साथ कुर्ता शेयर करूंगी और साथ में साड़ियां भी शेयर करूंगी। सो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऑफकोर्स आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा आएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखने के लिए, मतलब कि प्रोडक्ट्स देखने के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं मेरे वीडियो को। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छे अच्छे हॉल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन आएगा बगल में, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप नोटिफाई हो सके मेरे हर एक नए वीडियो से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मीशो के हैं और मीशो जो है वो इंडिया की नंबर 1 और मीशो जो है वो इंडिया की नंबर 1 रीसेलिंग और अर्निंग ऐप है। आप सबको तो पता ही है फ्रेंड्स। सो मीशो के कोई भी लिंक नहीं होते, जो भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी उन सबका मैं आपको कोड दे दूँगी, तो आप उसे सर्च कर सकते हैं जाकर मीशो पे। और मीशो को आप डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे लिंक से, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से मीशो ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 30% ऑफ मिल जाएगा आपके फर्स्ट परचेज पे। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है। सो कुछ भी आप बाई करते हैं तो उस पर 30% आपको ऑफ मिलेगा आपका फर्स्ट परचेज रहेगा तो। सो मेरे लिंक से ही मीशो ऐप को डाउनलोड करिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप नहीं जानते कि मीशो ऐप से कैसे पैसे कमाते हैं या कैसे रीसेलिंग करते हैं ये सब कुछ, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। एंड सबसे पहले मैं आपके साथ ये वाला कुर्ता शेयर करूँगी। ये रियॉन की फैब्रिक में है और ये अनारकली कुर्ता है कुछ इस तरह का। काफ़ी सिंपल और काफ़ी प्रिटी कुर्ता मुझे ये लगा, इसलिए मैंने इसे लिया है। सो ये नेवी ब्लू कलर में है, रियॉन की फैब्रिक में है। इसकी नेकलाइन के पास आपको इस तरह का कुछ वर्क दिखता है जो कि सीक्वेंस का है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इस पर वर्क आपको मिल जाता है। मीडियम साइज़ है इसकी और जो नेकलाइन है इसकी कुछ इस तरह की है, बिल्कुल आप कह सकते हैं जो अलग से कोट टाइप का बनाया हुआ होता है उस टाइप की डिज़ाइन दी गई है। इसे आपको बांध लेना है, लुक बहुत अच्छा आएगा। रियॉन की फैब्रिक में है, कलियाँ बहुत सारी इसमें दी गई हैं, घेर वगैरह बिल्कुल सही है इसका, कुछ इस तरह का है आप देख सकते हैं। लॉन्ग कुर्ती है, रियॉन की फैब्रिक में है और बैक में इसकी कुछ इस तरह की डिज़ाइन है। यहाँ पे ये बटन है जो कि लगेगा इस तरह से और उसके बाद आप इसे आराम से पहन सकते हैं। स्लीव्स की बात करूँ तो 3/4 इसकी स्लीव्स आपको मिल जाती है कुछ इस तरह की, देख सकते हैं। सो पिंक कलर की लेगी के साथ इस तरह के कुर्ताज जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे, या फिर वाइट के साथ भी आप कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको शेयर करूँगी एक कुछ इस तरह की साड़ी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और इस तरह का जो प्रिंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह की इसी कपड़े की साड़ी मैंने पिछले हॉल में भी शेयर की थी, एक स्ट्राइप्स वाली, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेक कर लीजिएगा। तो मुझे वो फैब्रिक बहुत पसंद आई इसलिए मैंने इसी फैब्रिक में एक और साड़ी ली है। तो ये कुछ इस तरह की फ्लावर प्रिंट बनाई हुई साड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी साड़ी पे इस तरह की डिजिटल प्रिंटिंग की गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। और साथ में इस तरह से सैटिन की लेसिंग की गई है और साथ में गोटा भी बैठाया गया है कुछ इस तरह का। तो साड़ी पूरी आपको इसी तरह की मिल जाती है, इसी तरह की फैब्रिक है, डिजिटल प्रिंटिंग की गई है। ये इसका आँचल है और आँचल पर भी इस तरह से रोजेज़ बनाए गए हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। काफ़ी अच्छे कलर की साड़ी है, इस तरह की जो साड़ियाँ हैं वो कम मिलती हैं और काफ़ी अच्छी लगती हैं। अगर फेयरवेल है या कोई पार्टी है, आप उसमें डे टाइम फंक्शन है तो भी आप इसे कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह की आपको पूरी साड़ी मिल जाती है, पूरी साड़ी पे नीचे में आपको इस तरह का बॉर्डर मिल जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है। ओवरऑल ये वाली साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और लास्ट में ये साड़ी का लास्ट पार्ट है जहाँ से आप पहनना स्टार्ट करेंगे और ये आपको मिल जाता है ब्लाउज पीस जो कि रेड कलर का है और काफ़ी अच्छा है, और चंदेरी कॉटन टाइप की जो फैब्रिक होती है जिसकी आजकल ब्लाउजेज आती हैं उस तरह की ब्लाउज पीस आपको मिल रही है। साथ में यहाँ पे आपको ये फैब्रिक मिल रही है जो कि साड़ी पे भी है, तो आप इसे ब्लाउज पे लगवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। या फिर चाहे तो आप सिंपल प्लेन ब्लाउज भी पहनेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। आपके साथ एक और कुर्ता शर्ट शेयर करूँगी जिसे कि मैंने अगेन मीशो से ही लिया है, सब कुछ आज मैं मीशो का ही शेयर कर रही हूँ। सो ये जो कुर्ता शर्ट है इसका मैंने एक कलर ऑलरेडी लिया हुआ था, आप लोगों को दिखाया भी था येलो कलर में, तो ये मैंने बेबी पिंक कलर लिया है। ये कैमरे में थोड़ा आपको ज़्यादा डार्क दिख रहा है बट ये उतना डार्क नहीं है, कुछ इस तरह का शेड है आप देख सकते हैं। बिल्कुल प्लेन स्ट्रेट कुर्ता मिल जाता है आपको और इस तरह की इसकी नेकलाइन है कुछ इस तरह की, आप देख सकते हैं पाइपिंग दी गई है वाइट कलर से। और ये जो बटन्स हैं ये सिर्फ शो के लिए हैं, ये ओपन नहीं होते हैं और ये मेटल के बटन्स हैं मैं आपको बता दूं। और स्लीव्स की बात करूँ तो स्लीव्स पे आपको इस तरह से चिकनकारी का वर्क मिल जाता है हाफ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं
पीछे भी और आगे भी, यानी कि दोनों तरफ से आपको वर्क मिल रहा है स्लीव्स पे। और पूरी कुर्ती जो है वो बिल्कुल सिंपल है, कुछ इस तरह से स्ट्रेट में है। और इसमें एक और कलर अवेलेबल थे, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा, या फिर अगर आप डायरेक्ट भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे ये कुर्ता सेट मिल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इस कुर्ता सेट को आप वाइट दुपट्टे के साथ या फिर ब्लैक दुपट्टे के साथ कैरी करेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, बट इसके साथ आपको दुपट्टा नहीं मिल रहा है। जो बॉटम वेयर आपको मिल रहा है वो कुछ इस तरह का स्ट्रेट फॉर्म में है, और उसमें भी नीचे में ये चिकन का जो वर्क है वो आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अगर आप कोई और वाइट कलर का कुर्ता भी इसके साथ कैरी करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। सो कुछ इस तरह से चिकन का वर्क है पूरे आप कह सकते हैं पैंट पे, फ्रंट और बैक दोनों ही साइड से बिल्कुल हैवी वर्क इस पर किया गया है, रेशम के धागे लगाए गए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। कुछ इस तरह का इसका पैंट का सेट है, और ऊपर में आपको इलास्टिक मिल जाती है तो आप आराम से इसे पहन सकते हैं। इसमें मेरी साइज़ मीडियम थी और कुर्ते में भी मेरी साइज़ जो है वो मीडियम है, जो पहले ब्लू वाला दिखाया। मैं शेयर करूँगी एक और साड़ी जिसे कि मैंने कॉटन मलमल की फैब्रिक में लिया है। सो इस तरह की साड़ियाँ भी मीशो पे काफ़ी मिल रही हैं, तो अगर आपने नहीं लिया है तो एक बार इसे ट्राई करिए, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है। तो ये मलमल की फैब्रिक में है, कॉटन की, बहुत ही अच्छी फैब्रिक है, बिल्कुल कॉटन है, सॉफ्ट है, आपको बहुत पसंद आएगी, काफ़ी कंफर्टेबल है और लाइट है, बिल्कुल बहुत ईजी टू वेयर है। सो कुछ इस तरह का इसका आँचल है, और पूरे आँचल पे आपको इस तरह से येलो कलर की पॉम्पम लगाई हुई मिल जाती है तीनों ही तरफ से, आप देख सकते हैं। सो इस तरह से उस पर प्रिंटिंग की गई है हैंडब्लॉक वाली, कुछ इस तरह की आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है इसकी, ऑरेंज वाइट का मिक्सअप है पूरी साड़ी पे। सो साड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, तो ये ऊपर का पार्ट है और नीचे में आपको इस तरह का बॉर्डर का डिज़ाइन मिल जाता है, जिसपे अलग से पॉम्पम आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो साड़ी पूरी कुछ इस तरह की है, दो तरह की प्रिंटिंग पूरी साड़ी पे की गई है, एक ये वाली प्रिंटिंग भी आप देख रहे हैं, यहाँ से ये प्रिंटिंग जो है वो डिफरेंट हो जाती है। सो इस तरह की प्रिंटिंग भी आपको साड़ी पे देखने के लिए मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है, पॉम्पम भी लगाए हुए मिल रहे हैं। और लास्ट में आपको कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं, इस तरह का जो आप इसे ब्लाउज पीस कह सकते हैं, तो इस तरह की आपको ब्लाउज पीस मिल जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वाले को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे कलर्स डिज़ाइन अवेलेबल हैं मीशो पे, जिन कलर में भी आपको साड़ी चाहिए आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि आपको बहुत पसंद आएंगे। सो अगर आप चाहें तो आप इसे भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सो फिर नेक्स्ट बची है कुछ ज्वेलरी पीसेस जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो जिस सेलर से मैंने ये वाली इयर रिंग्स ली थी, इसका भी मैंने हॉल वीडियो शेयर किया हुआ है, अगर आपको ये वाली इयर रिंग अच्छी लग रही है तो मैं इसका जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ये भी मैंने मीशो से ही लिया है तो आप ट्राई कर सकते हो। तो जिस सेलर से मैंने ये वाली इयर रिंग ली थी, उसी सेलर से मैंने ये दूसरी इयर रिंग मंगवाई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगी और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे भी थी, तो मैंने इससे सोचा कि मैं इसे ले लूँ। इस टाइप की इयर रिंग आपको मिल जाती है, बिल्कुल पीच कलर में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कुंदन का वर्क इस पर किया गया है, स्टोन्स भी लगाए गए और साथ में मोतियाँ भी यूज़ की गई हैं। तो ये वाली जो इयर रिंग है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाती है, तो आप चाहें तो इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल टू वेयर है और प्राइस भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं। इसका कोड भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल इयर रिंग है और इस सेलर के पास बहुत सारी इयर रिंग्स इस तरह की थी, तो अगर आप कम रेंज में कुछ इस तरह की इयर रिंग चाहते हैं तो आप डेफिनेटली एक बार ट्राई करिएगा। मैं फिर एक और इयर रिंग शेयर करूँगी और उसके बाद मैं एक नेक पीस भी शेयर करने वाली हूँ। सो ये वाली जो इयरिंग है फ्रेंड्स, ये मैंने अपने आप कह सकते हैं ये जो मलमल वाली आपको साड़ी दिखाई या फिर कुछ उस तरह की सिंपल चीज़ें पहनने के लिए ली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। क्वाइन वाली डिज़ाइन में ये इयरिंग आती है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी पिंक कलर की है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, और ये आप कह सकते हैं वही जो ऑक्सीडाइज्ड इयरिंग होती हैं उस तरह की इयरिंग है ये। पिंक कलर के कपड़े के साथ तो ये जाएगी ही जाएगी, साथ में बहुत सारे कलर के साथ इस तरह की इयरिंग चली जाती हैं। सो आप एक बार इसे भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है, इजी टू वेयर और काफ़ी लाइट वेट है, तो ये भी मुझे काफ़ी कम प्राइस पे मिल गई थी, और ये वही है जो ऑक्सीडाइज इयरिंग होती है उस तरह की इयरिंग है, तो इसे आप आराम से किसी कुर्ती पे या फिर साड़ी पे भी पहन सकते हैं। कॉटन वगैरह की साड़ी पे इस तरह की जो इयरिंग्स है वो बहुत अच्छी लगेंगी, और इस वाले में भी बहुत सारे कलर्स थे, तो अगर आप कोई दूसरा कलर भी ट्राई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपके साथ एक नेक पीस शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी, और इसे भी अगेन मैंने ऑक्सीडाइज्ड वाला लिया है। कुछ इस तरह का नेक पीस है जो कि बहुत सारे ड्रेसेस के साथ आपके जाएगा, और मैंने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसा ही रिसीव हुआ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लग नहीं रहा था कि जिस तरह का दिख रहा है उस तरह का प्रोडक्ट मुझे मिलेगा, बट वैसा ही मिला। सो इस तरह की लेयरिंग वाला आपको नेक पीस मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है।
कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से लेयरिंग की गई है और बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत इजी टू वेयर है। और ये यहाँ पे आपको धागे से इसका बैक मिल जाता है, आप आराम से इसे पहन सकते हैं। मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ, कुछ इस तरह का लगता है यहाँ पे। इस वाले ड्रेस का तो ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि सब कुछ अलग चीज़ों के साथ ये मैच करता है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल नेक पीस है, काफ़ी डिफरेंट लगता है, बहुत अच्छा लगने वाला है और काफ़ी कम प्राइस पे ये आपको मिल जाता है। सो अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, या सोच रहे हैं ट्राई करने की तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स हैं और अच्छी क्वालिटी की भी है, तो आपको काफ़ी लंबे समय तक ये काम आएगी। कुछ इस तरह की है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मीशो ऐप को डाउनलोड कर लेंगे मेरे दिए हुए लिंक से जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उससे आपको 30% ऑफ हो जाएगा आपके नेक्स्ट परचेज पे, यानी कि जो भी फर्स्ट परचेज है आपका उस पे। सो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा उसके बाद, तो यहाँ पे आप होम पेज में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जो भी आपको पसंद आएंगी, या फिर जो भी काफ़ी हाईलाइटेड है, ज़्यादा ट्रेंड करनी, उस तरह के प्रोडक्ट आपको होम पेज पर ही दिख जाएंगे। बट कैटेगरीज में अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहते हैं तो इस तरह से चुन सकते हैं, जैसे कि मेंस वेयर, किड्स वेयर, या फिर बहुत तरह की किचन के अप्लाइंसेस अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अलग से कैटेगरीज बनाकर मिल जाएंगे, अगर आप वेस्टर्न वेयर लेना चाहते हैं तो भी। बट मान लीजिए कि मुझे होम पेज से ही ये वाला सूट पीस पसंद आया है रीसेलिंग के लिए, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगी और इसे शेयर करूँगी जिससे भी मैं अपने कस्टमर को भेजना चाहती हूँ। तो जिस जहाँ पर आप शेयर नाउ देख रहे हैं वहाँ से शेयर नाउ करिएगा, तो आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, तो उसमें जो भी डिटेल्स है कपड़े की, कितने मीटर है, क्या है, ये सब कुछ कस्टमर के पास चला जाएगा, बट प्राइस नहीं जाएगी। और अगर कस्टमर आपका एग्री करता है बाई करने के लिए, तो आप कोई भी पेमेंट ऑप्शन चुन सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन या पेटीएम, उसके बाद क्लिक कर लीजिएगा तो 606 रुपीज़ दाम है इसकी, आप आराम से प्रोसीड कर सकते हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितना मार्जिन ऐड करना है या कितना एक्स्ट्रा कमाना है, ये सब कुछ। तो जैसे मान लीजिए 606 रुपीज़ का दाम है, बट मैंने अपने कस्टमर को 706 रुपीज़ बताए हैं, तो मैं यहाँ पर 706 रुपीज़ लिख दूँगी और इतना ही अमाउंट कस्टमर से कलेक्ट किया जाएगा। जो एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ कलेक्ट किया जाएगा वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और अगर आप अपने ले रहे हैं तो सेम अमाउंट लिखिए और एड्रेस अपने घर का दीजिए, तो आपके घर पे सामान डिलीवर्ड हो जाएगा। फिर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आराम से आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। मीशो से हर रोज़ लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, अगर आप रीसेलिंग करके घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली एक बार मीशो ऐप को ट्राई करिए। और माई बैंक डिटेल्स में अपने बैंक डिटेल्स ज़रूर फिल कर दीजिएगा, जिससे कि कुछ भी कमीशन या फिर इनकम आनी हो तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की हॉल वीडियो, आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मीशो ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप भी 30% ऑफ चाहते हैं तो मेरे लिंक से मीशो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा अच्छे अच्छे हॉल वीडियोज़ देखने के लिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए